है तेरे, मार कैसे रहा है? मार दिया तो क्या हो गया, बोर हो रहा था, मार दिया। और जब से लॉकडाउन के बाद से स्कूल खुले है ना यार, लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। ऊपर से मम्मी पापा ने एक घर इतनी दूर ले लिया, और यार इस नए घर में मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, और यहाँ पे आसपास में कोई दोस्त भी नहीं है मेरा, और ना पुराने दोस्त यहाँ पे आ पाते हैं। हाँ भाई सही कह रहा है तू, अब तो स्कूल में भी मन नहीं लगता है। स्वाति देख कितना प्यारा कुत्ता है ये। भाई मेरे पास तो इसके लिए कुछ है। क्या? ये देख बिस्किट। खिला इसे, खिला। देखियो बड़े प्यार से खाएगा। अरे इसका आसपास कोई मालिक नहीं दिख रहा, लगता है खो गया है। एक काम करते हैं, इसको घर लेके चलते हैं, अगर इसका मालिक आ गया तो उसको दे देंगे, और नहीं आया तो हम रख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चला जा। चांदनी अरे चोर 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 चोर। अबे कौन चोर? अबे तू चोर और कौन चोर, मेरा कुत्ता लेके भाग रहा है चोर। अबे चुराया नहीं है हमने, रोड पे मिला है हमें। अच्छा रोड पे कुछ भी मिलेगा तो घर ले जाओगे, बहुत बढ़िया। हाँ तो हमने चोरी नहीं करी है कोई, चोर किसको बोल रहे है तू? और तू ज्यादा बकवास मत कर भाई, तू इसका कुत्ता इसको वापस दे दे, हम ना दूसरा ले आएंगे। और हाँ ज्यादा बकवास करी ना तो नाक तोड़ दूंगी। हाँ ओए पकड़ अपना कुत्ता, और देखियो इससे अच्छा कुत्ता लेके आएंगे हम, चल बहन। मैं तो तेरे पे ध्यान नहीं देता, तू तो चोरी हो जाता, ऐसे मत घुमा कर ठीक है। अरे यार उसको बोल तो दिया कि हम उससे अच्छा कुत्ता लेके आएंगे, लेकिन कुत्ता लाएंगे कहाँ से? घर चल के ना मम्मी से बात करते हैं। हाँ चल ठीक है। अरे एक तो इसके पापा को जॉब नहीं मिल रही, ऊपर से 2.5 लाख का लैपटॉप और ले आए, बताओ इसका क्या काम था? मम्मी अंदर रूम में है, चल के मनाते हैं कुत्ता लाने के लिए, आ जाओ। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे पापा जॉब ढूंढने गए हैं बेटा, यहाँ नए घर में आने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रही ना। वो मम्मी हमें ना एक कुत्ता लेना है। क्या तुम दो कुत्ते का काम हो इस घर में, जाके चुपचाप पढ़ाई कर ले। मम्मी प्लीज लाने दो ना। वाह बेटा वाह, सही टाइम ढूंढा तुमने। अरे पापा घर पे है नहीं, मम्मी को मना लो, मम्मी को मस्का लगाओ और कुत्ता ले आओ। अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद ही सोचो ना, इस घर में आपकी चलती है पापा की थोड़ी। अरे नहीं नहीं कोई कुत्ता उत्ता नहीं आएगा, चलो भागो यहाँ से। पता नहीं बच्चे ऐसे कहाँ से सीख के आते हैं। यार मुझे नहीं लगता इस घर में कभी कुत्ता आएगा। भाई ट्राई करता रहे, कुत्ता तो जरूर आएगा। ओ ये वाला कुत्ता कितना प्यारा है ना। अरे भाई कितना प्यारा है यार ये। हाँ और ये वाला देख तू, ये वाला तो और भी अच्छा है, इतना क्यूट है। ये ब्रीड कौन सी होगी? पता नहीं यार। ये वाली ब्रीड भी अच्छी लग रही है, हम कौन सी ब्रीड का कुत्ता लाएं यार? बहुत हो गया ये कुत्ता कुत्ता, अब दोनों कुत्ते उठो और जाके घर का सामान लेके आओ मार्केट से, चलो इस घर में मेरे जैसे इंसान भी रहते हैं। चला जा यार। सारा दिन कुत्ता कुत्ता रखते हैं, पता नहीं क्या भूत सवार हो गए दोनों के। तेरे को याद है मम्मी ने क्या क्या सामान मंगाया था? मटर मंगाई थी और ओए वो देख यार उसके पास कितना प्यारा डॉगी है ना। हाँ यार देख एक डॉगी वो भी रहा। अरे तू ये देख यार ये वाला डॉगी कितना प्यारा है। अरे यार हमारा डॉगी कब आएगा यार? भाई कुछ भी करके ना अब डॉगी लाना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सही कह रही है यार तू, लेकिन अभी ना सामान ले लेते हैं, नहीं तो मम्मी बताएगी फिर हमें अच्छे से। आ जा
यार ये वाला कुत्ता कितना प्यारा है ना। नहीं यार ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं ये नहीं, ये वाला देख, ये वाला जर्मन शेफर्ड, ये वाली ब्रीड बहुत मस्त है। नहीं यार हस्की बड़ा प्यारा है। अरे हस्की नहीं यार, हस्की तो ऐसा सही है। ये वाला देख तू, लेब्रा, लेब्रा भी अच्छा लगता है। पिटबुल भी तो अच्छा है। नहीं मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है ना वो है गोल्डन रिट्रीवर, देखिए रा सबसे बेस्ट है ये कुत्ता। भाई चाओ चाओ भी ना बहुत क्यूट है यार। गोल्डन रिट्रीवर लेंगे हम, अगर हम लेंगे ना कुत्ता तो हम गोल्डन रिट्रीवर लेंगे। नहीं चाओ चाओ लेंगे। अरे नहीं यार हम गोल्डन रिट्रीवर लेंगे। चाओ चाओ लेंगे। नहीं लड़ लो तुम, अभी घर में डॉगी आया नहीं है और तुम्हारी लड़ाई चालू। ऐसा तुम लड़ी लो ठीक है, अभी इस घर में डॉगी आएगा ही नहीं। लड़ो। देखा तेरी वजह से हुआ ये, तेरी वजह से हुआ ये, और लड़ ले तू। भाग जा से, चल हट। यार हमारा डॉगी आएगा नहीं ऐसे तो यार। अरे यार मेरे को समझ नहीं आ रहा हमारा कुत्ता कब आएगा, और ये भी नहीं पता आएगा भी या नहीं, और ये भी नहीं पता कैसे आएगा। यार क्या करूं यार। ओ ये देख, ओए राहुल। हाँ भाई। अबे राहुल ये तेरा कुत्ता है? और क्या मेरा कुत्ता है। सही है यार, बहुत प्यारा है यार तेरा कुत्ता तो। हाँ भाई बहुत प्यारा है ये, पूरा दिन खेलता रहता हूँ इसके साथ, पता नहीं कब टाइम पास हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है इसके साथ। सही है यार। भाई मैंने तो पबजी वबजी खेलना भी छोड़ दिया, मैं तो बस अब इसी के साथ खेलता हूँ। जब से घर में आया घर में रौनक हो गई है भाई। फैमिली में एक पेट हो ना तो फैमिली कंप्लीट होती है, वरना फैमिली इनकम्प्लीट रहती है। चल ठीक है भाई। अच्छा भाई मैं चलता हूँ ठीक है, मेरे को जारविस को इवनिंग वॉक पे ले जाना है। बाय बाय। अच्छा भाई ठीक है बाय। आ जा चल जारविस। यार क्या होगा हमारा कुत्ता कब आएगा। भौ भौ करता मेरा डॉगी दरवाजे पे कोई आता, कौन सही है कौन गलत ये वो झट से पता लगाता। और भाई यहाँ क्या कर रहा है तू। अरे भाई इस साल मेरे को सबसे अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ बैठ के। अबे यार इतने खर्चे क्यों कर रहा है, लॉकडाउन में इतना नुकसान हो गया सबका, थोड़ा संभल कर चल तू। अरे भाई तू टेंशन मत ले, मैंने इस लॉकडाउन में बहुत से कैसीनो गेम्स खेले हैं और अच्छा खासा अर्न भी किया है, और अब तो ये सब मेरी आदत बन गई है। हैं सच्ची, मेरे को भी दिखा। हाँ भाई ये देख, चल हम ओपन करते हैं forabet.com और मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कैसे खेलता हूँ और जीतता हूँ सन ऑफ इजिप्ट गेम। ये देख भाई हमने गेम स्टार्ट कर दिया है, अब हमें बोनस स्पिन्स मिलेंगे, अब देखते हैं कि हम कितने जीतते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक सन है, हमें जितने हो सके उतने सन्स कलेक्ट करने हैं। क्या हमें और मिलेंगे? यस एक और, लेट्स गो भाई। वाओ वाओ दो सन्स भाई, दो, अमेजिंग भाई, हम बहुत ज्यादा जीतने वाले हैं। ये देख हमने 6300 रुपए जीत लिए, वो भी 30 सेकंड में। ब्रो आई लव दिस गेम सो मच। वाओ यार ये तो बहुत सही है, 6000 और जीत गए भाई, आज तो मेरा बड़ा लक्की डे है। अच्छा यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं बहुत नुकसान में हूँ, मैं भी ट्राई करूंगा। हाँ भाई तू बहुत इजीली इसको खेल पाएगा, बस फॉलो कर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को और पिंड कमेंट वाले लिंक को, और डिपॉजिट कर दे कोई भी अमाउंट, तेरे को मिल सकता है मैक्सिमम बोनस अगर तूने मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट किया तो। ओ भाई क्या बात है। और हाँ भाई आखिरी बात, तू यूज कर सकता है प्रोमो कोड रचित रोजा 1 डिपॉजिट करते टाइम। तो भाई वेट किस चीज का है, अभी रजिस्टर कर और अर्न करो मनी। फॉलो करो डिस्क्रिप्शन के लिंक और पिंड कमेंट वाले लिंक को, और जीतो forabet के साथ। अरे भाई बहुत बढ़िया, तूने तो मुझे बचा ही लिया, थैंक यू सो मच यार। अरे मोस्ट वेलकम भाई, चल मिलते हैं फिर। मैं अपनी तैयारी करता हूँ यार पार्टी की। पहले मैं बहुत परेशान था, दुखी था, अकेला था, और मेरे से तो कोई बात भी नहीं करता था। और फिर मेरी जिंदगी में आया एक प्यारा सा डॉगी, और उसने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी, और आज मैं बहुत खुश हूँ और तंदुरुस्त भी। तो देखा आपने, एक प्यारे से कुत्ते ने एक स्टूडेंट की कैसे जिंदगी बदल दी। और अगर आप भी अपनी जिंदगी में परिवर्तन चाहते हैं तो आप भी जल्दी से जाइए और एक प्यारा सा कुत्ता घर लेके आइए। ओए क्या देख रहे हो, ये हर वक्त टीवी देखते रहते हो, बंद करो इसको। अरे मम्मी बंद क्यों कर दे टीवी को, हमें ना आपको कुछ दिखाना है। अरे क्या दिखाओगे तुम, ऐसा कौन सा सीरियल है जो मैंने ना देखा हो। छोटी बहू, नागिन, उत्तरन, सास भी कभी बहू थी, सभी तो मैंने देख रखे हैं। और क्या देखना बाकी है। मम्मी ये देखो सामने। हाँ मम्मी एक बहुत ही ज्यादा फायदे की चीज दिखानी है। अच्छा ऐसा क्या है, ला दिखाइयो। ये देखो मम्मी। तो एक कुत्ते मात्र के घर में आने से
आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके बिजनेस में वृद्धि होगी, आपकी अगर नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी भी लग जाएगी, और तो और अगर घर में आपके माँ बाप आपकी बात नहीं सुनते हैं तो वो भी आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। तो आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, कितनी भी परेशानी हो, सबका एकमात्र हल है एक प्यारा सा कुत्ता। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से जाइए और एक प्यारा सा कुत्ता लेकर के आइए। देखा मम्मी कितने फायदे की चीज है, मैं तो कह रही हूँ हम भी कल ही डॉग ले आते हैं। एक मिनट, अभी आई मैं। अरे यार मम्मी कहाँ चली गई? पता नहीं यार, हमने तो कुछ ऐसा बात भी नहीं बोली। ये देख, देखा कुत्ता, तू क्या कुत्ते से कम है? 20 साल से तेरे को पाल रही हूँ, कौन सा फायदा हो गया मेरे को? अरे यार बस करो यार ये सब, मम्मी प्लीज यार, मम्मी डॉगी ले आते हैं ना। नहीं, मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, अगर कुत्ता आ गया ना तो कभी इधर पोटी करेगा, कभी इधर करेगा, कभी इधर सुसु करेगा, कौन साफ करेगा? मम्मी अभी आपने टीवी में देखा ना, वो क्या बता रहे थे, अगर हमारे घर में डॉगी आएगा तो हमारे घर में उन्नति होगी, पैसा आएगा, हमें खुशहाली मिलेगी, और पापा नौकरी ढूंढ रहे हैं ना, पापा की नौकरी भी लग जाएगी। आप नहीं चाहते क्या पापा की नौकरी लगे? और मम्मी वैसे भी इधर उधर सुसु पॉटी ना एरे गहरे कुत्ते करते हैं, हम ना अपने डॉग को अच्छे से ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवाएंगे, वो ये सब सीख जाएगा। ऐसा करती हूँ मैं, इस घर को ही बेच देती हूँ, पहले कुत्ता, फिर उसका ट्रेनर, फिर उसका खाना, कभी कुछ कभी कुछ, यही करती रहूंगी मैं, हैं? और तुम कराते रहना मेरे से। अरे मम्मी प्लीज मान जाओ ना, डॉगी लाने दो ना मम्मी, प्लीज 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 मम्मी प्लीज ना, मम्मी प्लीज प्लीज। चुप, एक बार मना कर दिया ना तो कर दिया। अरे यार हमारा डॉगी कब आएगा? Few moments later. ओए, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो, चलो खाना खाओ। मम्मी देखो, जब तक इस घर में डॉगी नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। हाँ मम्मी, मैं भी नहीं खाऊंगी खाना। हम नहीं खा रहे खाना वाना, हम खाना छोड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, आ जाएगा डॉगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं सिर्फ कुत्ता दिला सकती हूँ अपने जोड़े हुए पैसों में से, लेकिन ट्रेनर का इंतजाम तो तुमने करना पड़ेगा। हाँ हाँ मम्मी, मंजूर है मंजूर है, आप एक काम करो, आप बस कुत्ता दिला दो, ट्रेनिंग का हम दोनों अपने आपस में देख लेंगे कैसे करना है कैसे नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात और, अगर उसने पोटी की सुसु किया तो मैं साफ नहीं करूंगी, अगर उसने मेरे सोफे फाड़े या और सामान का नुकसान करा ना तो उसके साथ साथ तुम दोनों को भी घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? चलो ठीक है फिर, कल मैं पंडित को बुलाती हूँ। अरे लेकिन पंडित को क्यों बुलाना है, हमें तो डॉग लाना है। अरे वही तो बताएगा कौन सा मुहूर्त बढ़िया है, ऐसे ही थोड़ी ना ले आएंगे। और मम्मी अगर पंडित जी ने बोला कि हम डॉगी नहीं ला सकते तो? हाँ तो नहीं लाएंगे। ठीक है मम्मी, जैसी आपकी मर्जी। हाँ तो चलो खाना खाओ और पढ़ाई करो, मैं पंडित जी को कल घर पे बुला लूंगी। ठीक है, देखते हैं यार अब कल क्या होता है। हे भगवान प्लीज हमारी हेल्प करना, कुछ ऐसा कर देना कि हमारे घर में डॉगी आ जाए। अरे पंडित है क्या है, घूस खा के देख कितना फूल रहा है। हाँ जजमान, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अरे पंडित जी वो सब तो ठीक है, लेकिन विक्की भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इस पंडित जी के साथ? अरे यार तब मेरी छोड़ो, पहले अपनी समस्या का हल तो करवा लो। पंडित जी ये दो नालायक बच्चे हैं मेरे, ये चाह रहे हैं कि घर में डॉगी लाना है, कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त देख के बताओ ना किस दिन लेके आए घर में डॉगी। हाँ जी पंडित जी बताओ। मैं कोई शुभ मुहूर्त देख के आपको बताता हूँ। भाई सारा मुहूर्त मैंने देख लिया है, और कुत्ता लाने का जो शुभ मुहूर्त है अगले साल के 15वें महीने की 40 तारीख है और 8:45 इसका शुभ मुहूर्त है, उससे पहले जो है कुत्ता नहीं लाया जा सकता। पंडित जी देख लो, पंडित जी कुछ हो जाए तो
दोबारा गणना करके मैं देखता हूँ अगले महीने में कोई शुभ मुहूर्त हो सकता। अरे यार एक महीना तो बहुत ज्यादा है। मम्मी आप यहाँ क्यों बैठे हो, जाके चाय पानी लेके आओ, घर में मेहमान आए, अच्छा थोड़ी लगता है, जाओ 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 चाय लेके आओ। अरे यार विक्की भाई कोई जुगाड़ करा दो ना, हमें कुत्ता चाहिए। कुत्ते का जुगाड़ करवाना है ना? हाँ करवा दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा भाई। वो क्या? देख जिस तरह तने चैनल खोल रखे ना, उससे तरह अमन ने भी एक यूट्यूब पे चैनल खोला है विक्की काजला के नाम से, और उसमें एक वेब सीरीज आओगी स्वर्ग वर्सेस नर्क, वह देखनी पड़ेगी भाई ने। अरे भाई आप टेंशन मत लो, डन है, मैं देखूंगा और साथ साथ मेरी ऑडियंस भी देखेगी। ठीक है तो जाके वीडियो देख लेना और कमेंट करके मेरा नाम डाल देना कि रचित रोजा ने भेजा था वीडियो देखने के लिए। ठीक है डन हो गया है। देखो अब आप एक काम कर दो, कोई डेट निकलवा दो कुत्ते की आजकल में, हमें अर्जेंट चाहिए, हमें बहुत जरूरत है कुत्ते की। पंडित जी करवा दो ना बड़का ये कुत्ते का जुगाड़। ठीक है भाई विक्की ने हाँ कर दी, आपका काम हो गया डन। ये लो पड़े जी चाय पियो। चाय भाई तो मैंने पी ली जी, लेकिन अब जो है सिर्फ कल का दिन है जब जो है आप कुत्ता ला सकते हो, कल का शुभ मुहूर्त है और इसके बाद अगले 100 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है जी, इसलिए कल का दिन आप कुत्ता ले आओ, बस कल का ही दिन है, इसके बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं। देखा मम्मी मैं तो पहले ही कह रहा था हम कुत्ता लेके आते हैं और कल लेके आते हैं, लेकिन आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। आप भी फालतू में छोटी मोटी चीजों के लिए पंडित जी को परेशान करते रहते हो, अब कल चल के कुत्ता लेके आएंगे हम। ये लो पंडित जी अपनी दक्षिणा। ठीक है जी आप कल जो है कुत्ता ले आओ। हाँ कल हम पक्का ले आएंगे। ठीक है पंडित जी बाय बाय। तो कुत्ता आएगा। मम्मी ये देखो हमारा डॉगी। अरे यही रुको घर के अंदर नहीं आना। अरे मम्मी आपकी परमिशन से ही तो हम ये डॉगी लेके आए हैं, अभी आप हम पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे नया मेहमान आया घर में, इसकी पूजा आरती वेलकम नहीं करना क्या? अभी रुको। देख रही है स्वाति अभी तक तो मम्मी डॉगी लाने के लिए भी मना कर रही थी, और अब देख इसकी पूजा आरती वेलकम सब होगा। पर हमें क्या है, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। हाँ ये भी सही है। आ जाओ मम्मी कहाँ रह गए? चलो इसको गिराओ। अरे मम्मी बस हो गया, अब कोई बहू थोड़ी ना ब्याह के लाया हूँ, मैं डोगी तो लाया हूँ, इतना भी क्या स्वागत करना। वो तो मुझे उम्मीद नहीं है तेरे से कि बहू लाएगा तू। अरे मम्मी चले बंदरिया बाहर ही खड़े रहना आज। आज 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 स्वाति यार फाइनली हम डॉगी तो ले आए, लेकिन अब इसका नाम क्या रखे यार? हाँ यार कुछ नाम तो रखना ही पड़ेगा। एक काम कर तू भी सोच मैं भी सोचती हूँ फिर डिसाइड करते हैं। अच्छा टाइगर कैसा है? नहीं यार टॉमी नहीं जैकी नहीं 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 जैकी नहीं। अरे बेटा सुबह से रात हो गई आप डॉगी के साथ खेलते रहो, अब जाके सो जाओ। अरे मम्मी हम बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, हम इसका नाम सोच रहे, इसका नाम क्या रखे? नाम रख रहे हो ऐसे थोड़ी ना नाम रखना है। अरे पंडित जी को बुलाएंगे। क्या यार मम्मी फिर से पंडित जी? यार ये मेरे को बार बार इंस्टाग्राम पे कौन मैसेज कर रहा है? इंस्टा हम ना इसका नाम इंस्टाग्राम रखेंगे और फिर हम प्यार से इसको इंस्टा बुलाएंगे। हाँ मम्मी इंस्टाग्राम अच्छा नाम है, फिर ये रील्स भी बनाया करेगा और हम इसका अकाउंट भी बना देंगे फिर। तुम लोगों को पसंद है? हमें तो पसंद है। हाँ तो फिर इसका नाम हो गया इंस्टा। तो फिर आज से इसका नाम इंस्टाग्राम। चलो अब तो नामकरण भी हो गया, अब तो जाके सो जाओ। ठीक है मम्मी। तो आज से इंस्टाग्राम मेरे साथ सोएगा। अबे ओए ये मेरे साथ सोएगा। मेरे साथ सोएगा।
मेरे साथ सोएगा, मेरे साथ सोएगा, दूर हो ले, मेरे साथ सोएगा, मेरे साथ सोएगा, मैं मारूंगा, मेरे साथ सोएगा, ये मेरे साथ सोएगा, मेरे साथ सोएगा, नहीं, साइड हो ले, मेरे साथ सोएगा ये, हट। आज तो तू ले जा, कल तो मेरे साथ ही सोके रहेगा ये, समझा? यार हम अपने इंस्टाग्राम के लिए ना ये वाले कपड़े लेंगे। यार पिंक कलर के ले ले। ओए चल, इंस्टाग्राम जीन्स पहनेगा पिंक कलर के। अच्छा तो एक काम कर, इसके लिए ना सॉक्स भी ले लेंगे, ठंड आ रही है। अरे वो देख, इंस्टा ने सुसु कर दिया, जा जाके साफ कर दे, चल। मैं क्यों करूँ साफ, तू कर, सुबह मैंने किया था ना। हाँ तो क्या हो गया, अभी भी कर दे, मैं फिर दो बार कर दूंगा लगातार, जा तू कर। जो डील हुई थी ना उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, साफ कर उसको जाके। तू कर दे। मैं क्यों करूँ, मैं कह रहा हूँ साफ कर देगी, क्या हो जाएगा। मैंने कह रही कर जाके। साफ कर, चल चल तू कर, साफ कर, साफ कर जाके। ओए निकम्मो, क्यों लड़ रहे हो, एक काम करती हूँ, इसका सुसु साफ मैं ही कर देती हूँ। ठीक है मम्मी, कर दो। अरे हराम खोरो, मैंने पहले बोला था ना तुमसे कि इसकी सुसु पोटी का हाथ नहीं लगाऊंगी मैं बताती तुम्हें, रुक जाओ। कर नहीं सकती थी साफ। मैं क्यों करती, तेरी बारी थी ना। तू कर देती तो क्या हो जाता। मैं क्यों कर देती, तुझे करना था। अरे यार ऐसे तो ये सुसु पोटी कर करके पूरे घर में हमें परेशान कर देगा, और हम दिन रात ना ये सुसु पोटी साफ करते ही रह जाएंगे। इसको ना यार ट्रेनिंग दिलानी पड़ेगी। लेकिन भाई ट्रेनर के तो पैसे ही नहीं हमारे पास। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं तो इसको इंटरनेट से देख देख के ट्रेन करूंगा, और हाँ ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि ये सिर्फ मेरी बात माने, तेरी कोई बात नहीं मानेगा, ठीक है? अच्छा अगर ऐसी ही बात है ना तो देखियो, मैं भी इसको ट्रेनिंग दूंगी, फिर ये बस मेरी बात मानेगा। हाँ हाँ देख लेंगे किसकी बात मानेगा और किसकी ट्रेनिंग सबसे अच्छी है, देख लेंगे। हाँ अभी साफ कर, चल। Run Insta, run, 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 run. Insta, Insta. Come. Insta, come. Insta, come, 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 come. Run Insta, run, 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 run. Come, come. Come. Insta, sit, sit. Insta, hello, Insta, hello. Insta, hello. Insta jump, 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 jump. Jump Insta, jump. Few moments later. मैंने ना Insta को सब कुछ सिखा दिया, अब देखियो मेरी बात मानेगा ये। अच्छा दिखाइयो, ऐसा क्या सिखा दिया तूने इसको? अभी रुक जा, Insta run, run, run Insta. तेरे तो सुनी नहीं रहा ये। अभी रुक, Insta jump, 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 Insta jump. Jump. Insta jump. Jump. अबे तेरी एक बात नहीं मानेगा ये, अभी देख मैं दिखाता हूँ मैंने क्या ट्रेनिंग दी है इसको। Insta. Insta come. Insta sit. Sit. High five. Yeah. Insta down. देखा, इसको भी पता है इसका असली मालिक कौन है और कौन इसका असली मालिक नहीं है, किसकी ट्रेनिंग अच्छी है और किसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, किसकी बात सुननी है किसकी बात नहीं सुननी। हट। हाँ ठीक है चला जा, कुछ दिन में देखियो मेरी भी सारी बात मानेगा ये, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दूंगी मैं इसको। अरे आंटी जी आओ 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 आओ। अरे ये कहाँ से आ गया, अरे इसको दूर हटाओ यार। अरे अरे आप टेंशन मत लो, ये कुछ नहीं करेगा। अरे आंटी जी आप डरो मत, कुछ नहीं करेगा, ये बहुत प्यारा है, ये बस खेल रहा है आपके साथ। आओ आओ आप अंदर आओ, ये प्यारा है इसको पकड़ो। ओह अरे इसने मुझे काट लिया, खून निकाल दिया, मुझे ना तुम्हारे घर आना ही नहीं चाहिए था, मैं जा रही हूँ। अरे आंटी जी मम्मी से मिलने आए थे, मम्मी से बात तो करके जाओ। मैं उनसे ना वीडियो कॉल पे बात कर लूंगी, एक तो इतनी जोर से काट लिया इसने मुझे। हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अरे यार इंस्टा ये क्या कर दिया तूने, फालतू में आंटी को काट लिया। चल अब मम्मी गुस्सा करेगी हम पे। यार
यार कितना प्यारा लग रहा है ना इंस्टाग्राम सोता हुआ। सच में यार बहुत क्यूट है ये। यार मैं क्या सोच रहा हूँ, हम ना अपने इंस्टाग्राम की शादी कराते हैं, फिर इसकी भी फैमिली होगी, इसके भी बच्चे होंगे, इसकी भी बीवी होगी, ये अपनी बीवी से अपनी दिल की बातें बताया करेगा और दोनों खुश रहेंगे। अबे पागल है क्या, ये डॉग है और इनकी शादी नहीं होती। क्यों क्यों नहीं हो सकती डॉग्स की शादी? इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है क्या? इनके अंदर इमोशंस नहीं है क्या? ये क्या बेचारे जिंदगी भर अकेले रहे? इनको भी तो कोई जीवन साथी चाहिए है ना। हाँ भाई बात तो सही कह रहे तू, पर किससे कराएंगे इसकी शादी, कौन बनेगा इसका जीवन साथी? अरे तू टेंशन मत ले, मैं आज ही से अपने इंस्टाग्राम के लिए एक अच्छी सी लड़की अच्छी सी दुल्हन देखना स्टार्ट कर देता हूँ और इसकी शादी तो मैं करा के रहूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मिल जाए तो मुझे भी बताइयो। हाँ अब ना इसकी अच्छी अच्छी फोटोज खींचूंगा और इसकी बढ़िया सी प्रोफाइल बना के shaadi.com पे अपलोड कर दूंगा और अपने इंस्टाग्राम को दुल्हन मिल जाएगी कोई बहुत सुंदर सी। हमारा इंस्टा भी तो कितना सुंदर है ना। अरे 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 सोजा बेटा सोजा। जल्दी से ना इंस्टा के लिए पिंक वाली ड्रेस ऑर्डर कर लेती हूँ वरना भाई आ जाएगा। अबे ओए तेरे को पता है अपने इंस्टा के लिए बहुत सुंदर सी दुल्हन मिल गई है। yes. और ना मैंने लड़की वालों से बात कर ली और वो तो बहुत खुश है और अपने इंस्टाग्राम से मिलना चाहते हैं, एक दो दिन में रिश्ता पक्का करने के लिए आ रहे हैं वो लोग। अच्छा और मम्मी को ये सब कौन बताएगा, बताया तूने? अबे हंस क्यों रहा है, बता बताया मम्मी को। अबे तू टेंशन मत ले, मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया और मम्मी तैयार हो गई, मम्मी मान गई है। मम्मी सच में? हाँ बेटा, क्योंकि इसको तो कोई अपनी लड़की देगा नहीं, इस घर में किसी की तो शादी हो, मैंने सोचा इंस्टा की करा दूं, मेरे भी तो कुछ अरमान है सास बनने के। अरे मम्मी बस करो यार, हमें ना इसके रिश्ते की भी तैयारियां करनी है और कल इंस्टा के लिए शॉपिंग पे भी जाना है, इसके कपड़े नहीं लाएंगे, चलो आप जाके तैयारियां करो। देखा बोला था ना इंस्टा की शादी करवा के रहूंगा। अरे मम्मी स्वाति कहाँ हो, इंस्टाग्राम के लिए शॉपिंग करने चलना है, मैं तैयार हो गया हूँ, जल्दी आ जाओ ना, लेट करा रहे हो। चल। अरे लेकिन इंस्टा कहाँ है? अबे यहीं कहीं सो रहा होगा, जा और देख और उसको लेके आ। अरे देखो बेटा इधर उधर होगा। अरे मम्मी नहीं है, सारे के देख लिया मैंने। अरे तो जल्दी से उसको देखो कहाँ है वो, लेके चलो यार उसको, जल्दी लेट हो रहे हम, चलो। मम्मी सारे के देख लिया, अपना इंस्टाग्राम कहीं नहीं मिल रहा। मेरा इंस्टा कहाँ चला गया? तुम दोनों की वजह से गुम है वो, ढूंढो उसे। मम्मी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी ना इसकी गलती है, ये इंस्टाग्राम का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, इंस्टाग्राम इसकी वजह से नहीं मिल रहा। मेरी गलती क्यों है? तेरी गलती है, तू उसका ध्यान नहीं रखता, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखती हूँ, ठीक है? अबे ओ मेरी कोई गलती नहीं, तेरी गलती है, तेरी वजह से गुम हुआ है वो, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है। अबे चुप दोनों, मेरा इंस्टा गुम हो गया, चलो ढूंढ के ला उसको, पुलिस में रिपोर्ट लिखा उसकी, और मेरा इंस्टा मेरे घर में चाहिए समझे, नहीं तो दोनों की खाल उधेड़ दूंगी मैं, चलो जाओ। चलो अरे हवलदार कोई मुर्गा ना फंस रहा, बीड़ी के पैसे भी ना निकल रहे। साहब जी चोर चोर चोर। अरे ओए उड़ाओ 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 उड़ाओ, कहाँ जा रहे हो, चोरी करके आ रहे हो ना? अरे भाई साहब क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो, हमें अर्जेंट जाना रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन, आजा। अरे हम भी तो पुलिस वाले हैं, यहाँ लिखवाओ ना रिपोर्ट, बताओ क्या लिखनी है। अरे भाई साहब हिम्मत रखिए और ये बताइए कैसी रिपोर्ट लिखवानी है। लगता है सर कुछ बड़ा कांड करके आए। अरे नहीं नहीं सर, हमें ना एक गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ सर उसकी ना शादी होने वाली थी और बेचारा गायब हो गया सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ढूंढ लिया कहीं नहीं मिल रहा। आप ही सोचिए सर उसकी होने वाली बीवी पे क्या गुजर रही होगी, उसकी शादी होने वाली थी और आज उसका पति गायब हो गया, बेचारी कैसे जिएगी अब। हाँ मैं समझ सकता हूँ, आप हिम्मत रखिए और हमें ऐसी जानकारी दीजिए जिससे मैं आपकी मदद कर सकूँ। हाँ जी सर पूछिए कैसी जानकारी चाहिए आपको। अच्छा ये बताओ उसका नाम क्या है। अरे सर हमारा भाई हमारी जान है और इंस्टाग्राम उसका नाम है।
इंस्टाग्राम? अरे सर, उसको हम प्यार से इंस्टा बुलाते हैं, उसको रील्स बनाना बहुत पसंद है, तो हमने उसका नाम इंस्टाग्राम रख दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखने में कैसा है? अरे सर, बहुत ही प्यारा है। अभी रुको, मैं ना आपको उसकी फोटो दिखाती हूँ। ये देखिए सर, हमारा भाई कितना प्यारा है, प्लीज इसको जल्दी से ढूंढ दीजिए। अरे तुम दोनों इतनी देर से इस कुत्ते के बारे में बात कर रहे थे। सर कैसी बात कर रहे हो, कुत्ता नहीं है ये, इंस्टाग्राम है ये। अरे मजे लेने के लिए हम ही मिले हैं क्या, चले जाओ नहीं तो जेल में बंद करा दूंगा। अरे सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सर, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ सर, प्लीज हमारे भाई को ढूंढ दो सर, उसकी होने वाली बीवी मर जाएगी सर, प्लीज 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 सर प्लीज। अरे ठीक है, पहले तू चुप हो। देख भाई, वैसे तो कुत्ते की रिपोर्ट दर्ज होती नहीं है, पर ये तुम दोनों का प्यार देख के ना मैं रिपोर्ट लिख लेता हूँ, ढूंढ देंगे उसे। थैंक यू सर, थैंक यू, भगवान आपकी जल्दी से तरक्की कराए और यहाँ से उठा के आपको थाने में बिठाए। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमारा भाई मिल जाएगा। हाँ यार, अब चल के ना मम्मी को बताते हैं खुशखबरी, हमने रिपोर्ट लिखवा दी। मम्मी, हमने ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी इंस्टा की, और वो बोल रहे थे वो इसको ढूंढ देंगे, वो हमारी हेल्प कर देंगे, आप टेंशन मत लो, इंस्टा मिल जाएगा, परेशान मत हो। हाँ मम्मी, मिल जाएगा इंस्टा, परेशान मत हो। अबे ओ, ये तुम्हारा कुत्ता है क्या? हाँ हाँ, ये कुत्ता तो हमारा ही है, लेकिन तुम्हें कैसे मिला? मेरे घर में घुसा था, ध्यान रखा करो अपने कुत्ते का, दोबारा मेरी कुत्ती के पास दिख गया ना इसे जेल करा दूंगा जेल। असली कुत्ता है, मेरे घर के कुत्तों की बहन बेटियों पर नजर रखता है। पागल हो रहा क्या तू? अच्छा, अभी अभी तुमने नया कुत्ता लिया है ना? हाँ हाँ, नया ही लेके आए थे अभी। तो फिर घर से भाग क्यों गया था? अरे यार भाई, हमें खुद समझ नहीं आ रहा, हम फर्स्ट टाइम डॉग लेके आए ना। हाँ मैं बताता हूँ, तुम लोगों ने अभी इसके साथ कुछ किया है क्या? क्या किया है, क्या किया है? हाँ, हमने इसका रिश्ता पक्का किया है। यही तो बात है, पक्का ये रिश्ते से खुश नहीं है। क्या इंस्टा, तू इस रिश्ते से खुश नहीं है? अबे तेरे को शादी नहीं करनी क्या? अरे ये नहीं करेगा बेटा। देखा, ये बाल विवाह के खिलाफ है, और तुम अपने कुत्ते का बाल विवाह कराओगे ना तो तुम्हें जेल हो जाएगी, जेल। अरे तुम तो अपने बचपन के मजे ले रहे हो और इसकी शादी करा रहे हो, अबे इसे भी अपनी जिंदगी जी लेने दो। सही कह रहे हो भाई, हम इसकी शादी नहीं कराएंगे, जीने दो इसको इसकी जिंदगी। बच्चों, हम इसकी शादी नहीं कराएंगे, इसे जीने दो अपनी जिंदगी, तब ये बड़ा होएगा ना अपनी पसंद से शादी कर लेगा। सही कह रहे हो मम्मी। ठीक है मम्मी। और हाँ, इसको संभाल के रखना, दोबारा मेरे घर में ना दिख जाए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। चलो मम्मी। इंस्टा, कहाँ चला गया था तू? अब मत जाइयो कहीं भी। इंस्टा बेटा, कहाँ चला गए थे तू? अब मत जाइयो बेटा। अब की बार मत जाइयो कहीं भी, हम नहीं करा रहे तेरी शादी, जब तेरा मन करे अपनी मर्जी से अपनी शादी कर लियो, ठीक है? हाँ, और तेरी पसंद से ही करेंगे, ठीक है? हाँ। अब इन्हें कौन बताए कि मैं इसलिए नहीं भागा था कि मेरा बाल विवाह ना हो, मैं तो इसलिए भागा था क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मुझे बस उसी से शादी करनी है। आई डोंट बिलीव इन अरेंज मैरिजेस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, दबा के लाइक करो, और गाइस कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 10 मिलियन सब्सक्राइब करवा दो गाइस, जल्दी। हे गाइस, तो फोराबेट एक बहुत ही अच्छी साइट है जिसमें की कूल गेम्स हैं, और ये साइट आपको एक ग्रेट चांस देती है टू रिसीव अ नाइस वेलकम बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। फॉलो करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को और पिंड कमेंट वाले लिंक को, और यूज करो प्रोमो कोड रचित रोजा1 को, और पाए 150% वेलकम बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। इट्स टाइम टू प्ले एंड विन बिग विद फोराबेट.com। गुड लक फ्रेंड्स। Bye-bye.